Trustee Udit, आज टुडे माय टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो आप फाइंड कर सकते हैं 2x2 का डिटरमिनेंट, वो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2x2 का डिटरमिनेंट आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, इसकी वैल्यू आपके पास ए बी सी डी। अब आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, या हमारे पास आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इक्वल टू जो प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ये तो किसी भी साल हो सकता है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी आप स्टडी कर चुके हैं। ये 2x2 का डिटरमिनेंट। अब जो फर्स्ट ईयर लेवल पे है वो आपके पास 3x3 का डिटरमिनेंट, 3x3 के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना है कि वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन 1, 2, 3, 4, -5, 6, 0, 3, 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ये स्केयर मैट्रिक्स है। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ स्केयर मैट्रिक्स। और हमेशा याद रखें जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है वो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है। वो 2x2 का हो सकता है, वो आपके पास 3x3 का हो सकता है, वो आपके पास 4x4 का हो सकता है। फर्स्ट ईयर लेवल पे आपके पास 3x3 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है डिटरमिनेंट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई रो जीरो हो जाए या उसकी कॉलम जीरो हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू गिवन 1, 2, 5, 0, 0, 0, 7, 8, 9। तो अब आप डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई रो जीरो हो जाए या उसको कॉलम जीरो हो जाए तो हमारे पास उसका नेक्स्ट जो रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास उसका रिजल्ट जीरो आ जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की कि अगर कोई सी दो रो, इफ द टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई सी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए फिर भी उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू आपके पास 1, 2, 7, 3, 5, 9, 1, 2, 7। तो अब यहाँ पे चेक करें तो मैट्रिक्स बी के अंदर हमारे पास टू रोज, रो वन एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल। तो रो वन और रो थ्री सेम है, जब दोनों रोज सेम हो जाती हैं डिटरमिनेंट के अंदर तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आता है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो। किस वक्त, जिस वक्त आपके पास रो वन इक्वल टू रो थ्री, रो वन एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल। क्योंकि दोनों को आइडेंटिकल हो जाती है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो। इसलिए ये डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये डिटरमिनेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है अगर कोई सी दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू आपके पास 1, 7, 5, 0, 2, 9, 3, 1, 5। अगर हम दो को आपस में इंटरचेंज करें या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं कोई सी सपोज करें आर वन एंड आर थ्री आर इंटरचेंज, अगर रो वन और रो थ्री को इंटरचेंज करेंगे, जब आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है कि हम पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। किस किस रो को इंटरचेंज करते हैं, रो थ्री को रो वन दिया जाएगा 3, 1, 5, यहाँ पे ये रो वन है इसको रो थ्री बनाना है 1, 7, 5। तो ये सेकंड वाली रो सेम उसी तरह है, कोई सी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से हमारे पास इसका सही आ जाता है, नेगेटिव साइन यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को साफ करने के लिए 3x3 के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको नोट करवा देता हूँ। वो फार्मूला ये है, आपके पास जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो प्लस है, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। इसी तरह सेकंड रो से एक्सपेंड करें या सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करें तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस। अब ये प्लस है माइनस, अब फिर अगला क्या आएगा, प्लस में होगा प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस।
ये आपने अपने माइंड में रखना है कि पहले फर्स्ट सोर्स एक्सपेंड करते हैं तो पहले प्लस आता है, फर्स्ट कारण से एक्सपेंड करेंगे फिर भी आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर आप सेकंड रोज से एक्सपेंड करना चाहते हैं फिर माइनस आएगा इसका, या सेकंड कारण से आप एक्सपेंड करना चाहते हैं फिर भी आपके पास क्या आएगा, माइनस। डिटर्मिनेंट को आपकी मर्जी होती है, किसी भी रोज से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कारण के साथ उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज है 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इक्वल टू 131 माइनस 1 20 माइनस 2 देन फाइंड a11 a21 अप टू सो ऑन a33 आल्सो फाइंड a डिटरमिनेंट। आपने a11 a21 a23 ये आपके पास कोफैक्टर है और आपके पास ये इसका a डिटरमिनेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका a डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। a डिटरमिनेंट जब आप इसका फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन a डिटरमिनेंट इक्वल टू इसकी वैल्यू 131 माइनस 1 20 माइनस 2, तो आपकी मर्जी होती है इसको आप किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप रो 1 से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पहले प्लस आए, अगर रो 2 से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो माइनस आए, अगर C1 से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पहले प्लस आए, C2 से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास माइनस आए। तो आप एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 के साथ इसको एक्सपेंड करते हैं। जब हम इसको रो 1 के साथ एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट्स है हमारे पास एक डिटरमिनेंट, फर्स्ट एलिमेंट आप यहां पे क्या है 1, ये वाली रो भी आपको छोटी पड़ेगी और ये वाला साथ कॉलम भी आपको छोटी पड़ेगी, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहले प्लस आता है, तो 1 वाली रो भी छोड़ दें और 1 वाला कॉलम भी, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बच जाते हैं 200 माइनस 2। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट 3, पहले प्लस आता है फिर क्या आएगा माइनस, तो अब आपको फर्स्ट रो छोड़नी पड़ेगी और सेकंड कॉलम, क्योंकि 3 आपके सेकंड कॉलम में आया, तो कौन से एलिमेंट आ जाते हैं हमारे पास -1, 0, 2, -2। तो नेक्स्ट पहले प्लस आया फिर माइनस, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, कौन सा एलिमेंट है 1, तो 1 वाली रो भी छोड़ दें, 1 वाला कॉलम भी साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, कौन से एलिमेंट आपके पास बच जाते हैं -1, 2, 2, 0। अब आपके पास किसी होगी, अब आपके पास 2+2 का डिटरमिनेंट है, a डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 ये आ जाएगा -4, माइनस 0 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, -3। अब यहाँ पे -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -2 के साथ ये आ जाएगा +2, ये -4 बोलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ क्या आंसर आएगा 0। फिर नेक्स्ट +1 -1 को 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 को 2 के साथ करेंगे तो ये -4 बोलेगा, 2 2 4 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको आप मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है a डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 इंटू -4 -3 इंटू 2 +1 इंटू -4, ये आएगा हमारे पास -4 -6 -4, ये a का जो डिटरमिनेंट है ये आ जाएगा -14 नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका डिटरमिनेंट आ जाए 0 तो वो सिंगल लेटर, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 ना आए तो वो आपके पास
नॉन सिंगुलर मैटर सेटअप। ये तो हमने फाइंड आउट किया है। एक टर्नेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको किसी भी रो के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। फार्मूला ये आप ध्यान में रख लें, पहले प्लस फिर माइनस, फर्स्ट रो से करेंगे तो प्लस, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फिर भी प्लस आएगा, सेकंड रो या सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे फिर आपके पास माइनस आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो एक्सपेंड किया था वो रो वन था। ये तो हमने फाइंड किया इसका डिटरमिनेंट। अब ये देखो मैं फाइंड a11 a21 a33 ये आपके पास कोफैक्टर होते हैं। अब अभी मैं इसके कोफैक्टर फाइंड करूंगा कि कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कि इस a11 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर ऑफ A11 का मतलब होता है A11, इसका मतलब होता है रो, इसका मतलब होता है कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये माइनस वन फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो प्लस कॉलम होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको फर्स्ट रो भी छोड़नी पड़ेगी और साथ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो अगर आप छोड़ दें फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दें तो आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं 2, 0, 0, -2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा -1 पावर 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा -4 -0, -2 को 2 के साथ करेंगे -4, ये -5 है, 0 को 0 के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसको -1 पावर 2 साफ करें तो आपके पास 1 आ जाएगा, और -4 में से 0 को माइनस कर दें तो -4 दे जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। ये जेड फाइंड हुआ है A1 में। इसी तरह हम A1, A13, A21, A33 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ A23। अगर हम इसका A23 फाइंड करें, A23 का मतलब होता है 2 रोज 3 कॉलम, ठीक है। तो ये -1 फॉर्मूले का कौन सी रो है 2, कौन सा कॉलम अप्लाई करें 3। अब आपको 2 रोज और 3 कॉलम छोड़नी पड़ेगी। 2 रो हमारे पास कौन सी आ रही है, क्वेश्चन में चेक करें तो हमारे पास 2 रोज ही आ रही है, 3 कॉलम कौन सा आ रहा है थर्ड, ये इनको अगर आप छोड़ दें तो कौन से एलिमेंट आ जाते हैं 1, 3, 2, 0, 1, 3, 2, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा A23 -1 की पावर आ जाएगा 5। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 को 0 के साथ क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 0 सा 0 हो जाएगा, -2 3 6 आ जाएगा। तो -1 को 5 पॉइंट साल करेंगे तो -1 ही आएगा n2 -6, तो इसका जेड जो आ जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमने इसके को फैक्टर फाइंड आउट, पहले जो हमने फाइंड किए थे वो उसका डिटरमिनेंट था, ये इसके क्या फाइंड किए को फैक्टर फाइंड आउट।